Hello and welcome to Sportified Minds, a series where I unravel the secrets behind the mental toughness and physical fitness of leading sports persons. My guest today is proof that good things come in small sizes. She has put the spotlight on a sport which is underrepresented in India and not the first choice for many. By finishing fourth in the 2016 Rio Olympics, she came tantalizingly close to an individual medal and single-handedly changed the perception of Indians towards her chosen sport, besides inspiring many to follow in her footsteps. She has been awarded the Khel Ratna Award and is also a Padma Shri recipient. I'm delighted to welcome the Wonder Woman of Indian Gymnastics, Dipa Karmakar. Namaste, Dipa ji, and thank you for joining me on Sportified Minds. Namaste. Born in Agartala, your father put you into gymnastics from the age of 6 years when no Indian woman had achieved any success in this sport. Why did your father choose gymnastics? Actually, मेरे पापा वेटलिफ्टिंग साइड कोच है, तो उनको जिम्नास्टिक्स पसंद था, तो इसलिए एक्चुअली उनका बचपन का भी ड्रीम्स था कि वो जिम्नास्टिक करे। और जब मेरा एज था 5.5, तब मुझे जिम्नास्टिक्स में डाला। तो आई थिंक एक स्पोर्ट्स फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, तो शायद इसलिए मेरे पापा ने मुझे एक ऐसे गेम चूज किया जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मतलब मेरे हर एक लोगों के लिए हर एक डिसिप्लिन सेम नहीं होते। तो मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, बहुत ज्यादा चंचल थी बचपन पे। तो जब मेरा एज 5.5 था, तभी पापा ने मुझे जिम्नास्टिक्स में एडमिशन करा दिया। कंटिन्यू होते गया, आज मुझे 20 इयर्स रनिंग है मैं जिम्नास्टिक्स कर। आप फ्लैट फुटेड पैदा हुए थे, an undesirable physical trait for a gymnast as it affects their landings and jumps. आपके कोच ने फ्लैट फुट को लिमिटेशन बनने नहीं दिया और इस चेंज करने के लिए आपने एक्सटेंसिव एक्सरसाइज रूटीन भी करे थे. Do you remember what it was like and did you ever feel like giving up? सच में कि जिम्नास्टिक्स ऐसा ही गेम है जो सबसे ज्यादा जंपिंग मूवमेंट है, और सच में मैं फ्लैट फुटेड थी, जो चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इस कारण मुझे मतलब मेरे जो कोच है नंदी सर, उन्होंने मुझे साई में एडमिशन करने के लिए बोला था। तो मैं गई थी, तो उस टाइम एक मेडिकल टेस्ट जो हुआ था, वहां पे मतलब उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि उसकी ऐसे उसके साथ जिम्नास्टिक नहीं हो सकते क्योंकि उसकी फ्लैट फुटेड है और ऐसे करके। तो मेरी जो कोच है नंदी सर, उन्होंने एनएस ट्रेनिंग किया था और उनको बोला था कि अगर कोई फ्लैट फुटेड है तो वो कैसे फ्लैट फुटेड से कर्व होना था। तो सर ने मुझे वो सब ट्रेनिंग कराया, वो सब एक्सरसाइज कराया और मुझे बोला भी कि तुम ऐसे करो तो तुम कर सकते हो, तो तुम सीनियर दीदी लोग के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो और तुम बहुत अच्छा ट्रेनिंग मतलब जो डिफिकल्टी एलिमेंट है सब कर सकते हो। तो वैसे सोच के मैंने एक्सरसाइज करते गया और फ्लैट फुटेड से मेरा बहुत अच्छा कर्व आया और अभी भी मेरा कर्व है। और जिम्नास्टिक्स में ऐसे एक इवेंट में मैं स्पेशलिस्ट बन गई जो शायद सबसे ज्यादा रनिंग, लैंडिंग, जंपिंग सबसे ज्यादा है, वो है वॉल्टिंग टेबल। और सच में मुझे बहुत प्राउड फील होती है कि मैं इतने फ्लैट फुटेड से कर्व बना के और मैं ऐसे एक इवेंट में ऐसे इक्विपमेंट में स्पेशलिस्ट बन गई जो मतलब शायद लोग सोच भी नहीं सकते। तो स्पेशल थैंक यू मेरी कोच नंदी सर को, कि शायद उन्होंने ऐसे मुझे डायरेक्शन नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। हमें बताए कि जब आपने जिम्नास्टिक्स शुरू किया उस समय अगरतला में ट्रेनिंग इक्विपमेंट और जिम्नेजियम फैसिलिटीज कैसे थे? जिम्नास्टिक्स की इक्विपमेंट बहुत ज्यादा मतलब खराब थे, क्योंकि आपको पता ही होगा इंडियन जिम्नास्टिक इतने ज्यादा वो नहीं है, मतलब अभी जितना लोग जानते पहले इतना पॉपुलर नहीं था। जब मैं जिम्नास्टिक शुरू किया था 99 की लास्ट में, तो 2007 में मुझे पता चला कि ऐसे इंटरनेशनल फॉरेन इक्विपमेंट भी होते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा जो इंडियन की नोनी कंपनी है उस ब्रांड में हम ट्रेनिंग करते थे। तो वो था उसमें। और हम जब 2007 एक नेशनल गेम्स हुआ था गुवाहाटी में, मैं पहली बार गई थी सीनियर के साथ कंपटीशन करने सब जूनियर से, और वहां पे मुझे जाके फॉरेन इक्विपमेंट में मिला और मेरा स्पीड इतना ज्यादा हो गया जिस कारण मेरा मेडल हाथ से निकल गया था। बट उसके बाद मतलब सच में बहुत प्रॉब्लम होता था जब हमें कंपटीशन में जाके फॉरेन इक्विपमेंट मिलता था, और हम जहाँ पे ट्रेनिंग करते थे वहां पे हमें इंडियन इक्विपमेंट, और वो भी इतना अच्छा इंडियन इक्विपमेंट नहीं। उसके बाद देखिए हमेशा मुझे सर ऐसा बोलते, अगर आपके पास कुछ नहीं है बट जो भी है उसमें आप अच्छा करने की कोशिश करें, नहीं बोल के पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हार्ड वर्क करिए, जिसमें उसमें हमें बेस्ट करने, उसमें हमें करके दिखाना है कि हम कर सकते हैं कुछ। आपका रोल मॉडल कौन था? मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मुझे ओलंपिक तक पहुंचना है, ओलंपिक मेडल लाना है। बट फाइनली जब मैं 2009 आशीष भैया को, सॉरी 2010 आशीष भैया को मेडल मिला, तो उसके बाद लगा कि नहीं, हम उसके बाद मुझे बनने लगा कि मुझे रोल मॉडल किसी को बनाना है, मुझे उसको फॉलो करना है। तो फाइनली सच में मुझे गुलिया स्टेनवेबर्गर जो वॉल्टिंग की स्पेशलिस्ट है, जो लास्ट 2016 रियो में मेरे वो ब्रॉन्ज मिला था और मुझमें 4th फिनिश किया था, तो वो है। अदरवाइज मुझे ग्रेवी डगलस और नास्तिया ल्यूकिन और नॉट आउट अभी सिमोन बाइल बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी 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 जो एलिमेंट है बहुत अच्छे लगते हैं। When and why did you choose to perfect the vault of death? वो पहली बार वॉल्ट ऑफ डेथ नहीं है, बिल्कुल भी प्रोडोनोवा ही है, बट सब लोगों ने, मीडिया ने नाम दे दिया उसको वॉल्ट ऑफ डेथ। तो स्पेशली मैं इसको इसीलिए चूज किया था कि देखिए जिम्नास्टिक्स में लाइक 2010 के बाद जब हम नेशनल कैंप वगैरह में जाते थे तो सब लोग हमें बोलता था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकते, लड़कियां हर एक चीज से पीछे है, लड़कियां सिर्फ कैंप में आते हैं खाना खाने और सोने और सिर्फ लाइक टाइम पास करने आते थे। तो वो सब चीज हमें बहुत बुरा लगता था कि जैसे हर एक चीज में लड़की लोगों को एवॉर्ड करना और नीचे दिखाना। तो वो भी था, एक 2014 से पहले एक फॉरेन कोच आया था हमारे यहाँ पे हमारे कैंप में इंडिया में, तो वो एक दिन ऐसे लाइन अप कराया और बोला कि हमारी इस बार मेडल मिलने का सिर्फ बॉयज की 3-4 बॉयज की है, गर्ल्स कुछ नहीं कर सकते, उनसे कुछ नहीं होगा। तो उस दिन जो मेरे कोच नंदी सर है उन्होंने बहुत ज्यादा हमें लाइनअप कराया और समझाया और बोला क्यों लड़कियां नहीं कर सकते, क्यों हम नहीं कर सकते, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते। तो उस दिन उनकी आंख से पानी निकला और हमने सारे लड़के लोग, हम जो 10-12 लड़कियां थे, सबने बोला कि नहीं सर हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे कि लड़के। तो उसके बाद सर की प्लान बना कि दीपा तुम ये वॉल्ट कर सकते हो क्या, ये प्रोडोनोवा। तो मेरा तो ऐसे ही था कि सर आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें मेडल चाहिए, हमें और नहीं नीचे दिखाना है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकते, लड़कियां बहुत कुछ कर सकते। तो वो करके शुरू हुआ। फिर सर ने मुझे उसकी बहुत ज्यादा बेसिक कराया, तब तक भी मुझे पता नहीं था कि वो सर बेसिक प्रोडोनोवा के लिए कराया। मैं हमेशा सर को पूछती थी सर मैं किस लिए करूँ, तो फिर सर ने बोला ऐसा ऐसा वॉल्ट है, ये हाईएस्ट वॉल्ट है, अगर तुम इसको परफॉर्म कर पाओगे तो हमारे लिए मेडल बहुत इजी होगा। तो बस वही सोच के तो मैं एक पैर में खड़ा हो गई, सर हमें मेडल चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे ही करके मैंने प्रोडोनोवा शुरू किया और सच में मेरे लिए अभी भी ऐसा ही है। अगर मेरी लाइफ की अगर कोई सच में बहुत ज्यादा प्यारा और सबसे इजी वॉल्ट रहा तो वो प्रोडोनोवा है, क्योंकि मैं वो कभी भी कर सकती हूँ और मुझे वो करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं एक वीक में उसको 100 नॉट 2 भी मैंने किया, प्रैक्टिस किया था। तो मुझे ऐसा नहीं, वो डेथ ऑफ वॉल्ट है, अगर आपको कुछ करना है कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो प्रोडोनोवा आपके लिए बहुत इजी। हमें अपने फिटनेस रूटीन और ट्रेनिंग पैरामीटर्स के बारे में बताइए। देखिए फिटनेस रूटीन तो बहुत ज्यादा टफ है सच में। पहले अभी ऐसा चल रहा है लॉकडाउन में घर में तो ऑनलाइन फिटनेस चलते हैं, बट अभी भी मैं घर में भी रोती हूँ, मेरे साथ 4-5 दिन हो गए, मैं घर में भी ऑनलाइन सेशन में रो रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं जब जिम में मैं रहती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा कभी कभी मैंने सर को 1-2 दिन ऐसे बोला कि सर मैं मशीन नहीं हूँ, मेरे से ऑन नहीं हो रहे, आप छोड़ दीजिए। और कभी गुस्से में मैंने सर को जाके नाखून से भी काट दिया, क्योंकि ऐसा था कि मतलब सच में मेरा गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। तो फिटनेस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होती है और ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग हमारी जो इक्विपमेंट ट्रेनिंग की है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है कभी कभी, मैं गुस्से में मेरी टांग लात मार के किसी को, मतलब ऐसे भी हो जाते हैं। You are amongst only 5 women in the history of world gymnastics to have successfully landed the Produnova award. This very signature award made you the first Indian woman to win a Commonwealth Games gymnastic medal. Tell us about this journey and what it meant to you. Like सच में 2014 जो मेडल मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स से मिला वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, एज ए नॉट ओनली मी एज ए वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर शायद वो मेडल हमें नहीं मिलता 2014 में, शायद आज इंडिया में जिम्नास्टिक्स लड़की लोगों का भूली जाते लोग और हमें ना इतना ज्यादा फैसिलिटी और इतना सपोर्ट मिलता। तो मैं इसके लिए स्पेशल थैंक यू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहूंगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा हमें हेल्प किया था। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ 2014 की। मेरी उस टाइम मैंने पहली बार प्रोडोनोवा अटेम्प्ट किया था वहां पे ग्लास्को में। तो पहले क्वालिफिकेशन के दिन मेरा इतना अच्छा नहीं गया और मेरा एंकल भी क्रैक हो गया था और इतना बुरा हालत क्रैक हो गया था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी और अच्छा भी नहीं हुआ था वॉल्ट, जितना मैं ट्रेनिंग करके गई थी मैं मिस कर दिया वहां पे जाके। तो सर ने बहुत डांटा, इतना डांटा कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ, इतना डांटा। फिर मैं 7th में क्वालिफाई किया कैसे भी करके। तो उसके बाद जब मैं 7th में क्वालिफाई किया तो हमारी जो टीम की और 4 लड़कियां थी, सबकी एक ही थी कि आपको कुछ भी करके आपको प्रोडोनोवा लैंड करना है और कुछ ना करो अपना 100% देने। इसमें हमारी इंडियन वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की सवाल है दीदी, अगर आज मेडल नहीं आया तो हम शायद कभी आगे लड़की लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उनकी जो एक सपोर्ट थी वो भी थी और नॉट आउट सर तो थे। तो मैंने इतना पेन था, एंकल क्रैक था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती कितना पेन था। बट वही था, मैंने 4 पेन किलर लिया इंजेक्शन लेके, फिर मैंने वो किया। फाइनली मैं उस दिन पहली बार मेरे प्रोडोनोवा लैंड किया था और फाइनली ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो हमारे लिए वो मेडल, मतलब स्पेशली मेरे लिए वो मेडल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और मैं इतने खुश थी कि जैसे मैंने लैंड किया मैंने सर को ऐसे हक किया और बोला कि सर हमारी मेडल आ गई। और सर इतना जोर से मुझे चिल्लाया और बोला कहाँ से मेडल अभी तो और भी इंग्लैंड की एक बच्चे। मैंने बोला कुछ नहीं, प्रोडोनोवा लैंड मतलब मेडल। मतलब इतना ज्यादा खुशी थी और इतना ज्यादा, मतलब मैं हैप्पी थी कि मैं फाइनली प्रोडोनोवा लैंड किया। जब सब लोग बोलते थे कि लड़कियां कर नहीं सकते, बट अभी वो लोग हमें सैल्यूट करते और हमें बोलते लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुके और मुझे बहुत प्राउड फील होते। अभी जब जिम्नास्टिक की बात आते तो सबसे पहले लड़की लोगों की बात आती, क्योंकि लड़की लोगों ने बहुत सारे मेडल लाया जिम्नास्टिक्स में। ओलंपिक्स हर खिलाड़ी का सपना होता है। आप हमारे देश को ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स में रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला हैं एंड द फर्स्ट इंडियन टू डू सो इन 52 इयर्स। Did this put pressure on you? अब प्रेशर नहीं था, पहली बात तो वो था, क्योंकि सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं फाइनली क्वालिफाई कर लिया। बट मुझे वो चीज नहीं पता था कि उसे 52 इयर्स के बाद कोई पहली लड़की ओलंपिक में क्वालिफाई, मुझे नहीं पता था वो चीज। बट जब मैं आई वापस इंडिया सब बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली जिम्नास्टिक्स में भी कोई क्वालिफाई किया। तो उसके बाद भी प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि फाइनल पहुंचना बहुत ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि ओलंपिक जैसा इवेंट में और 8 ही लोग फाइनल पहुंचते। और जब फाइनली मैं 8 नंबर पे क्वालिफाई किया था तो थोड़ा सा बुरा लगा था कि मेरा होप था कि और शायद अच्छा मैं नंबर पे क्वालिफाई कर सकती थी। जैसे फाइनल खत्म हुआ, फाइनल से पहले मुझे सर ने सिर्फ एक ही बात बोला कि अभी तुम फाइनल पहुंच गए, आज सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लिए खेलना है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, क्योंकि हमने 8 नंबर पे फाइनल पे पहुंचे। अगर हम अच्छा करें तो शायद आगे आएंगे, अगर खराब करें 8 नंबर पे फिनिश करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम तुम्हारे लिए खेलो। और मैंने आई थिंक मेरी टारगेट थी 15 क्रॉस करना और उस दिन मैंने 15 क्रॉस किया था फाइनल के दिन। और आई थिंक मैं उससे ज्यादा अच्छा उस टाइम नहीं कर सकती थी। मेरे 2 वॉल्ट में मैंने पूरा 100% देने की कोशिश किया और जैसे फाइनल खत्म किया और मेरा 15 क्रॉस हुआ और जैसे मैं देखा मैं 3rd में 2nd में हूँ, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि उस 8 में से बहुत सारे ओलंपिक मेडलिस्ट भी थे, तो उनको बीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश थी। उसके बाद जब मैंने देखा 4th फिनिश किया, तो मुझे तब भी मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो नहीं कि मैं ओलंपिक में 4th फिनिश किया, वो चीज था कि मैं इतने सारे ओक्साना, फिर डीपीआर कोरिया के, मतलब उनको मैंने बीट किया, वो जो ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी थी। और मैंने तुरंत सर को बोला कि सर अब तो एयरपोर्ट में कोई लेने के लिए आएगा नहीं, तो हम टैक्सी पकड़ के घर चले जाएंगे, और अगर दिल्ली टू अगरतला की भी टिकट कट लेते, जल्दी चले जाते, क्योंकि अभी तो मेडल नहीं मिला तो कोई नहीं आएंगे। तो उसके बाद मुझे पता चला, सर ने बोला कि तुम्हें पता नहीं 7 days में क्या हो रहा है, तुम 4th फिनिश किया बट सबके लिए ये मेडल की लायक है, ऐसे ऐसे। तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद सर ने समझाया कि हम, मतलब फिर हमने भी रिजल्ट देखा कि इतना कम पॉइंट से 0.15 से मेडल गया, तो उसके बाद मैंने बहुत रोया, बट आई थिंक प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा, मैं सबको वही बोलूंगी कि प्रेशर कभी, मतलब प्रेशर से परफॉर्मेंस खराब होते, मेरे साथ भी ऐसे हुआ एक बार। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो और मेडल आगे जो भी होगा वही होगा। तो जैसा आपने अभी कहा है, ओलंपिक्स में कुछ डेसिमल पॉइंट से ब्रॉन्ज मेडल मिस करने के बाद भी इंडियन जिम्नास्टिक्स को वर्ल्ड स्टेज पर आपने रिप्रेजेंट किया और मतलब बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉग्निशन दिया है। तो टेल अस योर थॉट्स ऑन द डाइकोटमी ऑफ नॉट विनिंग अ मेडल बट रिटर्निंग अ हीरो हु हैज चेंज्ड द अप्रोच टू जिम्नास्टिक्स फॉरएवर। देखिए वही है कि सच में बिना मेडल मिलने के बावजूद भी मुझे जो प्यार मिला सबसे, मुझे सबने जो प्यार दिया, और आई थिंक जब मैं वापस आई मुझे हर एक मेडलिस्ट के साथ खड़ा किया, तो वो चीज इसलिए पॉसिबल था सबके लिए। शायद ऐसे गेम हम थे, कभी पूरे इंडियन में कोई भी नहीं सोचा था कि जिम्नास्टिक्स में और स्पेशली गर्ल्स में कोई ओलंपिक पहुंचेगा और 4th फिनिश करेगा। तो आई थिंक इसलिए उसके बाद मुझे राजीव गांधी खेल रत्न मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, जो खेल रत्न जो स्पोर्ट्स की हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स पर्सन की। तो मतलब सच में, और मेरे सर को भी द्रोणाचार्य मिला। तो सच में कि ऐसा होता है कभी कभी चीज, हमें ऐसे चीज को चूज करना चाहिए जो लोग सोच भी नहीं सकते। तो सच में बहुत प्राउड फील करती हूँ, मैं ऐसे गेम को चूज किया जो कभी लोग उसके बारे में सपने भी नहीं देखते थे, और मैं ऐसे एक वर्ल्ड चूज किया जो लोग आजकल नाम दिया उसको डेथ ऑफ वर्ल्ड। तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा रिस्क लेना पसंद है, क्योंकि अगर हम रिस्क के साथ कुछ अच्छा कर जाए तो लोग उसको हीरो मानते, तो इसलिए शायद मैं वो सब चीज को चूज किया, आज लोग जिम्नास्टिक को जाने और दीपा को जाने। आपने कहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस का पहला स्तर केवल तभी आता है जब आपको फैमिली सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है। टेल अस अबाउट द इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय एन एथलीट टू सक्सीड। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको मेंटल सपोर्ट, क्योंकि मैं पहले भी बोला, मैं एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं था कि अगर तुम पढ़ाई करने, क्योंकि हर एक लोगों को 9th 10th स्टैंडर्ड में जब आते हैं तो सबके पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें 80% लेने, 85% लेने, तुम्हें डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने। बट मेरे घर से ऐसा था कि तुम्हें स्कूल नहीं जाओ तो ठीक है, बट जिम जाओ, बट तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तो एक स्पोर्ट्स फैमिली था, इसलिए मुझे वो सब कुछ इजी हुआ, क्योंकि आपको फैमिली की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि मैं ऐसे गेम करती हूँ जिम्नास्टिक, जिसमें आपने देखा कॉस्ट्यूम्स भी कुछ होते हैं, मतलब हमारी कॉस्ट्यूम भी गर्ल्स का बहुत कट होते हैं। तो मुझे कभी ड्रेस को लेके भी नहीं, और ऐसे भी नहीं था कि मैं एक लड़की हूँ, लड़कियां नहीं कर सकते, बट मुझे हमेशा घर में कोई लड़की और लड़के में फर्क दिखा भी नहीं था। तो हमेशा हम मतलब ऐसा था कि तुम्हें जो करने करो, हम कभी नहीं रोकेंगे तुम्हें, मैं पढ़ाई करने करो, तुम्हें स्पोर्ट्स करने करो। I know you feel strongly that it is a person's attitude towards inability that brings one down and not the inability itself. Thus, it's important to have a positive mindset. Please explain. हाँ, positive mindset बहुत जरूरी है। तो उसमें मैं बोलूँगी कि जब मुझे लोग ऐसे बोलता था कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम लड़की हो, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। तो मैं हमेशा वो सब चीज को पॉजिटिव वे से लेती हूँ, और जब मुझे लोग नेगेटिवनेस दिखाते और नेगेटिव बातें बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर लोग पीछे कुछ नेगेटिव चीज कहेंगे तो ही हम उसको प्रूफ कर सकते कि नहीं हम कर सकते, जैसे मेरे लिए था वो चीज। और जब मैं वो चीज करके दिखाती थी और जब वो लोग आके मुझे तारीफ करता था तो मेरे लिए वो चीज बहुत ज्यादा एक खुशी होता था मुझे खुद से कि लोग नेगेटिवनेस जब बोलते हैं उसको पॉजिटिव वे से लो और बोलो कि आप नेगेटिव जब तक नहीं बोलेंगे हम पॉजिटिव कैसे एक्सेप्ट करेंगे चीज को। आपने 2017 में ACL सर्जरी करवाई और जुलाई 2018 में वापस आके FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में गोल्ड मेडल जीता। इस तरह की कमबैक के लिए आपने किस तरह से मेंटल टफनेस डेवलप किया? तो जब मेरा ACL सर्जरी हुआ तो उसके बाद सबने बोला कि दीपा खत्म, दीपा नहीं कर सकती है, तो मेरे फिजियो जो थी उनको भी बोला कि क्यों करा रहे उसको, वो नहीं कर पाएंगी। तो हमेशा वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा एक वो था कि जैसे सब लोग बोलते ना कि एक बार सर्जरी हो जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, और जिम्नास्टिक जैसा गेम और दीपा का स्पेशलिस्ट है वॉल्टिंग, वो तो कर ही नहीं सकते, वो खत्म। तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे फिजियो, मेरे कोच सर नंदी सर, और मेरे जो साइकोलॉजिस्ट मैडम है भावना मैडम, उन्होंने भी जो साइकी है कि तुम कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सर्जरी के बाद नहीं कर सकते। मुझे लगता है सर्जरी के बाद आपकी लेग्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते क्योंकि आपको पता चलती है आपकी कौन सी पार्ट और वीक हो जाए, मतलब वीक रहता है पहले आप उसमें काम करते हो, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते। तो उसके बाद जैसे सर्जरी के 1 ईयर के बाद ही मैंने एक ट्रायल्स दिया था इंडिया में, जो एशियन गेम्स के ट्रायल्स थी, और इसमें मैंने लाइक 4 पॉइंट की डिफरेंस था जो मेरे और सेकंड में। तो उसके तुरंत ही 1 वीक के बाद ही वर्ल्ड कप थी। तो वो ट्रायल्स में मैंने जब परफॉर्मेंस किया तो मेरी जो एक मतलब सब बोलते था कि नहीं कर सकते सर्जरी के बाद, तो वो मेरे मेंटली और ज्यादा हाई हो गया था, मेंटली इतना हाई हो गया था कि मैं नहीं कर सकती हूँ मैं, और 1 वीक के बाद ही वर्ल्ड कप था और वो वर्ल्ड कप में मैं गोल्ड लाया था उस वर्ल्ड कप में, टर्की में जो हुआ था, और आई थिंक इंडिया की पहली लड़की है जिन्होंने वर्ल्ड कप में FIG वर्ल्ड कप में गोल्ड लाया। तो मेरे लिए सच में बहुत अच्छा था और अच्छा कमबैक भी था। और मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा टाइम के बाद, मतलब इंजरी के बाद जब कमबैक करके आते लोग और विथ मेडल के साथ, उसकी मजा ही कुछ अलग है, इसलिए कभी कभी इंजर्ड होना जरूरी होते। क्या आप अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल समझा सकते हैं? हाँ, स्पोर्ट जैसे मेरी जो वॉल्ड होते वो अलग अलग टेक्निक के होते क्योंकि एक फ्रंट एक बैक, उसमें ट्विस्टिंग होते। तो मैडम के साथ मैं हमेशा बात करती थी। मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पसंद था ये साइकोलॉजी में बैठना, साइकोलॉजी से बात करना। मैं हमेशा भागती थी इनको, अगर वो आती हुई देखती थी मैं भाग के चली जाती थी क्योंकि मैडम हमें पकड़ लेगा, क्योंकि मैडम जो बोलते हैं उनको देख के पता चलता चल जाते है कि क्या सोच रहे क्या नहीं। फिर जब मुझे समझाया सर ने, फिर मैडम से धीरे धीरे बात किया, फिर मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं खुद मैडम के पास उसके बाद जाती थी, एक 1.5 घंटा में मैडम से क्लास लेती थी। तो मुझे वो समझाती थी कैसे आपकी मेंटल, क्योंकि मेरा थोड़ा गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसको उसमें उन्होंने ज्यादा काम किया कि उसको कैसे आपको काम डाउन करना है, और वैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक एक वॉल्ट से पहले आपको कैसे रिएक्शन करने, कैसे आपके बॉडी के साथ रिएक्ट करना है, आपकी ऐसे करने से ऐसे अच्छा होगा, पहले ब्रीदिंग करिए फिर थोड़ा पानी, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ। और मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला वो सब चीज से और मैं वो सब चीज फॉलो किया। आई थिंक इसलिए बहुत अच्छा कमबैक हुआ था उससे। दीपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर सक्सेस हैज कम फ्रॉम टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स, persevering through all odds, and most of all, a positive mindset. You have raised the bar for Indian gymnastics and given Indian women an equal stage in your sport. Your honesty, coupled with humor, has made this episode enjoyable, and I'm sure all my viewers will be inspired by your achievements. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks so much.